गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम लगातार जो लेक्चर्स ले रहे हैं कंटिन्यू, इनमें हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है, ये हम स्टार्ट कर चुके थे पिछले कुछ वीडियोस में। इसके 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो भी आपके जो लेक्चर सीरीज है उसमें आप वहाँ पे उनको मेंशन करें, आप उनको देखें। और आई होप आप सभी ने वो 4 लेक्चर कम्प्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद अपना ये जो लेक्चर है, ये 5th लेक्चर है फॉर चैप्टर नंबर 13, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज न्यूक्लियाई। ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और इसमें जो बेसिक टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट हो गए हमारे, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, ओके, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, लाइक आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया था लाइक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मास डिफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया था, आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद में, ये इतना जो सारा मैंने आपको डिस्कशन बताया है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, और टोटल हमारे जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो लेक्चर्स है वो 4 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट बाइंडिंग एनर्जी, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन वेरी स्मॉल स्पेस। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस, इट इज वेरी स्मॉल साइज। ओके, इन दिस स्मॉल साइज many number of large number of particles are there, in some nucleus there are multiple number of protons, and the nucleus is like hydrogen nucleus, we have only single proton. In these type of nucleus which have large number of protons and neutrons, we required some amount of energy so that these protons can exist in very small space. You already know all the protons have positive and positive charges. Okay, jitne bhi aapke paas protons hai sab pe positive charge hota hai, aur positive charges will repel each other, okay, they are trying to separate out from each other, wo ek dusre se hamesha lagatar dur dur jane ki koshish karenge, separate hone ki koshish karenge. Okay, aur is condition mein इनको एक बहुत छोटे से स्पेस में एग्जिस्ट करना या न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना क्या है, लगभग इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है ये चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस जो इनका जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है इनके बीच में, इसको ओवरकम करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट एनर्जी विल रीबाइंड दीज प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड neutrons and protons in very small space of nucleus, that energy is known as binding energy. Okay, only binding energy. But now we are going to discuss about binding energy per nucleon, and the formula of binding energy we also discussed, like what is the formula of binding energy, EBN. Binding energy is represented by EB. It is EB, okay? Binding energy EB is equals to delta M into C square. It is about last lecture, okay? Binding energy is equals to delta M into C square, where delta M is equals to mass defect and C is equals to speed of light, which is equals to 3 × 10⁸ meter per second in vacuum. C की वैल्यू 3 × 10⁸ meter per second होती है,
और डेल्टा एम क्या है, ये मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, और मास डिफेक्ट का फॉर्मूला डेल्टा एम इक्वल्स टू हमने लिखा था जेड इंटू एम पी, मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स ऑफ न्यूक्लियस प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। दिस वन इज द मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियस, एंड नाउ दिस वन इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का टोटल मास मिलाकर जो होगा वो ये होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है उसको सेपरेट कर देंगे। देखो ये होता क्या मास डिफेक्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उन सब न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए, उन सभी न्यूक्लियस का मास होना चाहिए जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स है उनका मास प्लस जितने भी न्यूट्रॉन्स है उनका मास। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के मास के टोटल मास के इक्वल उस न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? यस, ओके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस मास, मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस का मास हमेशा इस मास से क्या होगा, कम होगा। और ये जो डेफिशिएंसी मास में आई है, जो मास में कमी आई है, ये जो डेफिशिएंसी मास में आई है, इसी को आप क्या बोलते हो, मास डिफेक्ट बोलते हो। ओके, द मास ऑफ न्यूक्लियस शुड बी इक्वल्स टू द मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। बट इन एक्चुअल केस, इन रियल केस, मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड दिस डेफिशिएंसी ऑफ मास इज नोन एज अ मास डिफेक्ट। एंड दिस डेफिशिएंसी ऑफ मास और दिस लॉस ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मास में यहाँ पे डिक्रीज हुआ, मास में जो कमी हुई है यहाँ पे, यही मास की जो कमी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यही बाइंडिंग एनर्जी इन न्यूट्रॉन्स को और इन प्रोटॉन्स को एक छोटे से स्पेस न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखती है, बाइंड करके रखती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किसका टॉपिक हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी का हो जाएगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करें हम ई बी से। और आपको हमने ये भी बताया था कि अगर डेल्टा एम इज इक्वल्स टू वन ए एम यू हो, टोटल मास डिफेक्ट इक्वल्स टू वन ए एम यू आ जाए, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी हो जाएगी, पूरी कैलकुलेशन हमने बताई है लास्ट वाले लेक्चर में, आप जरूर देखना वो, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी 1 AMU मास डिफेक्ट के बराबर है। अगर आपने 1 AMU का मास लॉस किया है, 1 AMU के मास की डेफिशिएंसी आई है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी वहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो 1 AMU के बराबर है। अगर अब यहाँ पे 2 AMU आ जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 AMU आ जाए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ AMU आ जाए, हाफ AMU यदि आ जाए तो इसको क्या कर दोगे आप, हाफ कर दोगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करके इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बार बार पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ अब एक ही काम करना है, क्या करना है कि आप केवल मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले से, और जो डेल्टा एम की वैल्यू आ रही है इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये 1 AMU की इक्वल है, डेल्टा एम की क्या हो जाएगी, इसको 931 इंटू डेल्टा एम, ओके। तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो आप लिख लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डेल्टा एम, डेल्टा एम के लिए क्या जाएगा, EB इज इक्वल्स टू 931 इंटू डेल्टा एम, और यूनिट क्या होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी डायरेक्टली, अदरवाइज ये वाले जो यूनिट है ना, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, और जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना आपके लिए बार बार परेशानी रहेगी। तो आपने एक बार ये कर ली, अब हमेशा के लिए आपके पास ये काम हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। आप कहोगे इतने बार इतना रिवीजन की क्यों ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि हमारे ये जो बीच में आपकी जो एग्ज़ाम्स वगैरह आ गई थी उनके बाद हम कई दिनों के बाद ये वाली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है ये देखो, बाइंडिंग एनर्जी का आपने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया तो आप ये लिख दोगे रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को रिप्रेजेंट किया जाएगा EBN से। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड इट इज इक्वल्स टू EB डिवाइडेड बाय A एंड दिस वन इज एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मींस यहां से जो आपका आंसर आ रहा है उसमें आप मास नंबर से डिवाइड कर देना, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विच इज रिलेटेड टू वन न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, इनसे रिलेटेड कितनी एनर्जी होगी उसका कैलकुलेशन कहाँ है, यहाँ पर आएगा आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं ये किस तरीके से आगे काम करती है। ओके, यस, नाउ वी हैव ग्राफ। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ EBN एंड A, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर। ओके, किस किस का ग्राफ होगा ये, EBN का होगा और A का होगा, इन दोनों का मास नंबर होगा। ठीक है, ग्राफ होगा तो इस ग्राफ को देखो, मैं जनरल वे में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। दिस इज जीरो एंड ऑन दिस एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग इट्स मास नंबर A। मास नंबर को हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EBN को हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं और इसकी यूनिट क्या होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मास नंबर की यूनिट क्या होती है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, आप मुझे बताएंगे कि मास नंबर की यूनिट क्या होती है। ओके, यस, और नहीं आपको पता है तो मेरे से आप ये डाउट में पूछेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर। ठीक है, यस, तो यहां पे देखो एक जनरल सा डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। ये डायग्राम आपकी NCERT में मिल जाएगा, EBN और A के बीच में जो ग्राफ होगा वो आपके NCERT में है, दिया हुआ है, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन उसको मैं बहुत इजी वे में आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मास नंबर कितना आता है, सबसे पहले मास नंबर जीरो के बाद वन आता है। आप बताओ क्या वन के लिए बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्या, मास नंबर वन है इसका मतलब क्या है, वहां पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वन होने चाहिए। और ऐसा कौन सा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास नंबर वन होता है, एटॉमिक नंबर भी वन होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, केवल और केवल एक प्रोटॉन होता है उसके अंदर। इफ देयर इज ओनली वन प्रोटॉन देन वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, हमें किसी बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अकेला है, उसको बांधेंगे किसके साथ, उसको बाइंड किसके साथ करेंगे वो छोड़ो। फिर टू की बात करते हैं तो टू किसका बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो मास नंबर टू किसका होता है, हाइड्रोजन के ही दूसरे आइसोटोप का होता है जिसको हम बोलते हैं H1, 1H1, ये हाइड्रोजन हो गया, प्रोटॉन जिसको बोला जाता है ये होता है 1H2, इसको ड्यूटीरियम कहा जाता है, इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटीरियम, फिर 1H3 इसको ट्रिटियम कहा जाएगा। ठीक है ना, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं ड्यूटीरियम से, तो ये लगभग यहाँ से ही आएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर ये ग्राफ ऊपर जाके और एक तरीके से कांस्टेंट जैसा होगा, फिर आगे जाके नीचे आएगा ये ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर आपका ये एक लंप लगभग ग्राफ है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होता, एग्जैक्ट ग्राफ आपको बनाना भी नहीं होता एग्जाम में भी, आपको क्या बनाना है इसका एक आइडिया होना चाहिए कि हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर। ओके, तो देखो ये आपके पास एक ग्राफ हो गया। अब जो कुछ पॉइंट्स है वो याद रखने हैं आपको, क्या, एक तो होगा ये वाला पॉइंट क्या है, 1H2 ड्यूटीरियम हो गया, ये हो गया
वन एच थ्री, यहाँ पे हो गया टू एच ई फोर, यहाँ पे आ जाएगा एल आई थ्री फाइव या सिक्स, ये लिथियम आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे लगातार ये क्या होगा चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे शेप पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये है एफ ई 56 और इसका एटमिक नंबर होगा 26, और फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जाते जाते यहाँ से एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे यूरेनियम 238 92, ठीक है। ये आपके पास एक ग्राफ है, आपको इतना ही बनाना है, इसके बाद ज़्यादा आपको पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर इस ग्राफ के आपके पास तीन पार्ट हो जाएंगे, आपके पास इस ग्राफ के तीन पार्ट हो जाएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, तीनों पार्ट की अपनी एक अलग एक्सप्लेनेशन है, और इन तीनों एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो गेट रेडी, आवर फर्स्ट पार्ट इज इफ ए इज लेस देन 30, अगर मास नंबर दोनों का कितना हो 30 से कम हो, ठीक है, सबसे जो छोटे न्यूक्लियस है स्मॉलर न्यूक्लियस, स्मॉलर न्यूक्लियस जो क्या है, न्यूक्लियस काफी छोटे हैं उनके लिए, देखो क्या है उनके लिए, ये है कि आप ये देखो यहां पे इसके अंदर इन सब की बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो क्या है, कम है, ओके। EBN की वैल्यू, EBN की वैल्यू क्या है, लेस वैल्यू है यहाँ पे। और एक बात बताऊं, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू हमेशा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को शो करती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को शो करेगी, स्टेबिलिटी को शो करेगी मीनिंग यह है कि जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियस स्टेबल होगा, ओके। और जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी होगी न्यूक्लियस उतना ही कम स्टेबल होगा। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि हमेशा जो ये वाले न्यूक्लियस है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, पर न्यूक्लियन, ओके, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस भी न्यूक्लियस के लिए कम होगी वो हमेशा कम स्टेबल होगा, और आपको पता है कोई भी सिस्टम हो, कितना भी सिस्टम हो, कैसा भी सिस्टम हो, वो हमेशा स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहेगा, ठीक है, वो कम स्टेबिलिटी से हायर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको पता चल गया आगे कैसा होना है। और एक बात बता दूं, हम यहां तो केवल बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यूज देख रहे हैं, उसका केवल मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज अगर ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी देखें ना तो बाइंडिंग एनर्जी इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, बाइंडिंग एनर्जी इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टेबल सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, ध्यान रखना इस बात को, अगर ये चीज ध्यान में है आगे काम अपने आप हो जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑल स्टेबल सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव जिसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज जितने भी अनस्टेबल सिस्टम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो, बाइंडिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही मान लो, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहां पर ऐसा है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, लेकिन हम यहां पर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारे पास ये पॉजिटिव में भी आ रही है, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा। अब इसके बाद आगे देखो, यहां पर फर्स्ट वाले केस में व्हेन ए इज लेस देन 30 देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी वेरी लेस, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। क्यों है कम, क्योंकि ये यहां पर न्यूक्लियस ही कम है, न्यूक्लियन ही कम है, न्यूक्लियन ही स्मॉलर है, इसलिए। तो क्या हुआ यहां पर, दे आर लेस स्टेबल, वो हमेशा उनकी स्टेबिलिटी कम होगी, वो कम स्टेबल होंगे, और जब कम स्टेबल होंगे दे विल कंबाइन ईच अदर, दे फ्यूज विद ईच अदर,
दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, एक दूसरे मिलकर नया न्यूक्लियस बनाएंगे जिसकी साइज इनके कंपैरिजन में बड़ी होगी। और इनके कंपैरिजन में बड़ी साइज किसकी है? इसकी है। तो ये न्यूक्लियस बड़े बनकर कौन से में जाने की कोशिश करेंगे? राइट साइड में जाने की कोशिश करेंगे, ओके। और जैसे ही वो राइट साइड में जाएंगे तो यहां पर उनको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, ओके। और इस रिएक्शन को, दो छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होके बड़ा न्यूक्लियस बनाने के रिएक्शन को, प्रोसेस को क्या बोलते हो? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब एक बात और ध्यान से सुनो, यहां पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियस इज लेस देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेबी न्यूक्लियस, ओके। स्मॉलर न्यूक्लियस आर पेरेंट न्यूक्लियाई, ओके। ये जो दो न्यूक्लियस मिलकर तीसरे न्यूक्लियस बना रहे हैं वो क्या होते हैं? पेरेंट होते हैं, ठीक है ना। जब दो कोई भी एक चीज से दूसरे का प्रोडक्शन होता है तो जहां से प्रोडक्शन होता है वो तो क्या होता है? पेरेंट होता है। और जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? बेबी होता है। पता है आपको ये तो, इतना तो सब जानते हो, कॉमन सेंस आपका, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद देखो, जो स्मॉलर न्यूक्लियस है दीज आर पेरेंट न्यूक्लियाई, ओके। देन आई विल एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज लेस देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बेबी न्यूक्लियाई, ओके। हैंस इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज रिलीज इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ओके। ये आपको पता है, ये आपको ये सब पूछा जाएगा, एक्सप्लेन हाउ और वाई एनर्जी इज रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो यू हैव टू एक्सप्लेन, सिंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज लेस देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बेबी न्यूक्लियाई, हैंस एनर्जी इज रिलीज इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ओके। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में आपके पास एनर्जी इमिट होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आपको ऐसा लग रहा है कि रिपीट करने की ज़रूरत है, आप वीडियो को 5 मिनट वापस पीछे ले जाओ और फिर इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है ना। पॉज करके सोचो क्या बोला मैंने, उसको नोट करो, उसके बाद में आगे बढ़ो, यही सबसे अच्छा प्रोसेस है इसका, और इसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इतना ही है। और वेन टू स्मॉलर न्यूक्लियस फ्यूज विथ ईच अदर जॉइन टूगेदर एंड फॉर्म्स लार्जर न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ओके। तो ये आपके आ गया फर्स्ट वाला केस। अब सेकंड केस नहीं लेंगे हम, थर्ड केस लेंगे। अब आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। थर्ड केस क्या है? इफ ए इज ग्रेटर देन 170, अगर ए मास नंबर की वैल्यू 170 170 से भी ज्यादा है, यहां पे ये 170 की वैल्यू है, यहां पे ये 30 की वैल्यू है, अगर इससे भी ज्यादा है तो क्या होगा? तो ये होगा लार्जर न्यूक्लियस, ये क्या होगा? लार्जर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस है ये। अब इनमें क्या, देखो बड़ा न्यूक्लियस है इसका मतलब क्या, उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने की वजह से प्रोटॉन्स सारे क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो एक दूसरे के बीच में रिपल्सन फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। रिपल्सन मीन्स कुलाम्बिक रिपल्सन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो ज्यादा होगा। जैसे ही कुलाम्बिक रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होने से उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आने लगेगी? कम आने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। इसी वजह से न्यूक्लियस बड़ा होते तो यहां पर तो मैक्सिमम आ गया, उसके बाद फिर से बाइंडिंग एनर्जी क्या होने लग गई? नीचे होने लग गई, ठीक है, लैंड करने लगी। यहां से टेक ऑफ चल रहा था इसका, चलते 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 कितना ऊपर जाएगा? लिमिट तो है ही ऊपर, वापस इसने लैंडिंग स्टार्ट कर दी और ये कम आ गया, नीचे आ गया ये, तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गई? कम हो गई। जैसे ही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कम हुई, इनकी स्टेबिलिटी फिर से कम हो गई, ठीक है। इनकी भी EBN क्या है? लेस है, और लेस EBN है इसका मतलब लेस स्टेबल है, और जो लेस स्टेबल है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल की तरफ बढ़ता है। इसलिए ये एक न्यूक्लियस टूट करके, एक न्यूक्लियस फ्यूजन होगा टूट करके,
छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लार्ज है और ये मीडियम है और ये स्मॉल है। आप हमेशा ध्यान में देखो, जो बहुत ज़्यादा पतला होता है आदमी, जो कोई भी बॉयज़ हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं उनको ये होता है कि वो थोड़े से मोटे हो जाए। कितने मोटे हो जाए? बहुत ज़्यादा ऑफेंस थोड़ी होने, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटे थोड़े होने। ये जो पतले वाले हैं ये मोटा होना चाहते हैं, ये मीडियम आएंगे। जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जो एकदम बल्कि होते हैं, उनको भी क्या होना है? पतला होना है, लेकिन उनको भी पतला इतना थोड़ी होना है, उनको भी मीडियम रेंज में आना है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी अपने मीडियम श्रेणी में आना चाहता है, मीडियम वाले रेंज में आना चाह रहा है। तो यहाँ पर ऐसा ही केस है। तो छोटे वाले हैं वो दो जुड़ के बड़े वाले में कन्वर्ट, बड़े वाले मतलब मीडियम वाले में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो सबसे बड़े वाले हैं, जो सबसे फैटी है, वो भी टूट करके छोटे वाले में होने चाह रहे हैं। तो इसलिए हमेशा ये जो है बड़ा न्यूक्लियस टूट करके ब्रेक हो करके इधर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? फ्यूज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ब्रेक हो, ठीक है ना। तो ये आप यहां पे ध्यान रखना। अब देखो ये क्या हुआ, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके छोटे में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ओके। एंड दिस प्रोसेस इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज कैसे होगी ये भी बता देता हूं कि यहां पर भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन इज स्मॉलर फॉर पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई के लिए स्मॉलर है एंड लार्जर फॉर बेबी न्यूक्लियाई। दैट्स वाई एनर्जी इज रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो एक कॉन्क्लूजन तो ये निकल गया, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होती है। तो आप इसको एक कॉन्क्लूजन डायरेक्ट दोनों के लिए सेम भी लिख सकते हो, सिंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर बेबी न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, हैंस एनर्जी इज रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ओके। तो ये तो इसके सामने हो गया। अब हमें एक और आगे एक पार्ट बच गया, उसके बारे में देखना है। कौन सा है? सेकंड पार्ट बच गया, मीडियम वाला बच गया, इसकी बात करते हैं, ठीक है। और जो मीडियम वाला पार्ट है इसके लिए देखो अब आगे क्या हुआ। इसका बिहेवियर थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल कैसे हैं वो ये देखो, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। कौन है ये सेकंड वाले? ये मीडियम लोग हैं, ये ना पतले हैं ना मोटे हैं, ठीक है। इनके लिए बात करते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ईबीएन क्या है? ईबीएन है हाईएस्ट, है हाईएस्ट, इसका मतलब मोर स्टेबल। तो इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन भी नहीं होगा और इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन भी नहीं होगा, बात ही खत्म हो गई। फ्यूजन भी नहीं होगा, फ्यूजन भी नहीं होगा, दे आर स्टेबल। लेकिन यहां पर पूछने के लायक बहुत चीजें हैं। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी होगी? हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी किसकी? Fe, आयरन, जिसको फेरम भी बोलते हैं। और इसकी बाइंडिंग पर न्यूक्लियॉन होगी 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, नीट में आ सकता है, जेई में आ सकता है, कंपटीशन में आ सकता है, एनडीए वेनडीए जितने भी है सब में कहीं पर भी आ सकता है, इसको याद कर लेना। अब आगे क्या? आगे यह है कि यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक बाइंडिंग एनर्जी में है ना वेरिएशन तो है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा वेरिएशन है, लगभग क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो ये कॉन्स्टेंट जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है आपके सामने? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज कॉन्स्टेंट इन दिस रेंज फ्रॉम ए इज ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 170। इस रेंज में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नियरली कॉन्स्टेंट है, हेंस दिस विल एक्सप्लेन न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स।
न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स। तो कैसे होता है ये भी देख लो एक बार के लिए। मान लो ये एक न्यूक्लियॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है ये, ये अपने पड़ोसी जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सब पे फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी इन सभी के साथ? लगातार बढ़ती जाएगी, बढ़ती, बढ़ते बढ़ते कहां गई? यहां से लेके यहां तक पहुंच गई। लेकिन अब इसके आगे भी तो प्रोटॉन्स है, क्योंकि यहां तो बहुत सारे हैं, आगे भी तो है ये वाले। लेकिन ये कह रहा है कि अगर इन पे भी अगर फोर्स लगते गया तो यह लगातार क्या होती जाती? बढ़ती जाती, ऊपर चली जाती। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, हुआ क्या? ये वापस कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इस प्रोटॉन का अपने पड़ोसी के साथ तो चक्कर है, पड़ोसी के साथ तो इसका क्या है, फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके आगे इन पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा यहां पे। और इसी कारण आप कह सकते हो कि ये जो प्रोटॉन है ये बहुत छोटी सी रेंज का फोर्स लगा रहा है, इसके बाहर आते ही फोर्स लगभग जीरो के बराबर। पड़ोसी का तो फोर्स लगाएगा, लेकिन पड़ोसी के फोर्स नहीं लगाएगा, पड़ोसी के फोर्स नहीं लगाएगा। दिस इज हाउ वी कैन से न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। दैट्स वाई दिस बैंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मिडिल रेंज। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टूडे, एंड फॉर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेज। थैंक यू एवरीवन।